उत्तराखंड के प्रसिद्ध संत बाबा नींद करोली महाराज के कैची धाम में मंदिर की स्थापना दिवस पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज सुबह शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना के बाद बाबा के मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। इस दौरान लाखों की संख्या में भक्तों ने बाबा के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। कैची धाम के 60वें स्थापना दिवस पर बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिन्हें संभालने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। मेले में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना ने बताया कि बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। बड़ी संख्या में भक्त अब तक दर्शन कर चुके हैं। शांतिपूर्ण और खुशहाल तरीके से मेला चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा के जितने भक्त हैं उनको मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि आज जितने भी भक्त आए हैं और जिस भी तरीके की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा या मंदिर समिति के द्वारा की गई है, भक्तों ने उस व्यवस्था में बहुत सहयोग किया है और बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही खुशहाल तरीके से मेला चल रहा है। काफ़ी संख्या में अब तक भक्त यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और जो बाकी हमारे शटल सर्विसेज जो चल रही है और पार्किंग हैं वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में भक्त हैं, तो उनको भी हम बहुत तेज़ी से दर्शन करवा रहे हैं। अभी तक की जो मेले की जितनी भी गतिविधियाँ बहुत अच्छी चल रही है और हमें उम्मीद है कि आज का जो मेला है वो न केवल ऐतिहासिक होगा और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत खुशहाल तरीके से सम्पन्न भी होगा। इधर कैची धाम मेले के चलते नैनीताल पुलिस ने अपना रूट प्लान जारी किया है। 2 दिन भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी, जबकि नैनीताल और कैची धाम के लिए शटल सेवा चलाई जा रही है। शटल सेवा के लिए विभिन्न पार्किंग स्थलों से 300 से अधिक शटल मैक्स और करीब 80 बसों का संचालन किया जा रहा है। मान्यता है कि जो बाबा के दर्शन करने आया उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है और बाबा अपने भक्तों को एहसास करवा देते हैं कि वो उनके साथ हैं। ये 15 जून को कैची धाम के मेले के परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें 14 जून की दोपहर 2 बजे के बाद से कोई भी वाहन, मोटरसाइकिल, किसी भी प्रकार का वाहन कैची धाम मंदिर की तरफ प्रवेश नहीं करेगा। हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र में 14 पार्किंग्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जहां पर हमारे द्वारा 4-व्हीलर को और 2-व्हीलर को पार्क कराया जाएगा और पार्किंग में पानी की, टॉयलेट की सारी सुविधाएँ कराने की कोशिश की गई है, कराई गई हैं, ताकि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और सभी श्रद्धालुओं से मेरा ये अनुरोध है कि जो नैनीताल पुलिस द्वारा पार्किंग बताई गई है, पार्किंग में अपने वाहन को पार्क करके और उसके बाद शटल सेवा का प्रयोग कर कैची धाम के दर्शन करें और आपकी यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो, ऐसी हमारे नैनीताल पुलिस की कामना है, ऐसी मेरी कामना है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।